हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित 5 मामले सामने आए हैं। हमीरपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब 11 हो गई है। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने 5ों मामलों की पुष्टि करते हुए कहा कि इन सभी के नमूने 16 मई को लिए गए थे और आज दोपहर बाद इनकी रिपोर्ट पहुंची है। नदौन उपमंडल की ग्राम पंचायत नौंगी की चौकी राजपूता की 60 वर्षीय व्यक्ति 12 मई को मुंबई से वापस आया था और राजकीय पाठशाला बूणी में इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन पर रखा गया था। वहीं दूसरा मामला गड़ोट तहसील के खुंगल का 47 वर्षीय है, जिसका सैंपल भी लिया गया था और वो 14 मई को मुंबई से लौटा था। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कश्मीर में वो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में रखा गया था। इसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी हैं। वहीं तीसरा मामला ग्वारडू गाँव के 54 वर्षीय का है, जो कि 10 मई को बंबई से लौटा था और घर पर क्वारंटाइन में था। चौथे मामले में 50 वर्षीय रेणु पद्धर गांव की महिला है और वो 14 मई को अपने वाहन से वापस लौटी है। वहीं पांचवा मामला 20 वर्षीय युवक पद्धर गांव का है और वो महिला का नजदीकी रिश्तेदार है और ये दोनों इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में रखे गए थे। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि इन सभी के प्राथमिक और द्वितीय संपर्कों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उपायुक्त ने कहा कि संबंधित उपमंडल अधिकारियों को इन क्षेत्रों को सील करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। हमीरपुर के लिए अनफॉर्चुनेट दिन रहा है। हमारे पास 5 पॉजिटिव केसेस की रिपोर्ट अभी तक आई है। ये सारे सैंपल्स 16 तारीख को उठे थे। इसमें से पहला केस नौंगी ग्राम पंचायत की चौकी राजपुताना से है। इसमें 60 ईयर्स ओल्ड एक व्यक्ति है। ये टोमेगढ़ टैक्सी ड्राइवर हैं। ये अपने खुद की गाड़ी थी 12 तारीख को आए हैं और ये अभी इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन है पुणे के स्कूल में। उस तरह दूसरा केस खुंगल विलेज घरों एरिया से है। ये व्यक्ति भी 14 मई को आए थे। अभी चीनी सेकेंडरी स्कूल कश्मीर में इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन है। ये अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ बॉम्बे से रिटर्न किए हैं। तीसरा केस हमारे पास 54 ईयर ओल्ड गुआड कर्णदेव एरिया से है। ये 2 अदर व्यक्तियों के साथ आए थे बॉम्बे से 10 मई को। उनके और अदर प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को भी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ये अभी हम क्वारंटाइन है। चौथा केस है हमारे पास 50 ईयर्स ओल्ड लेडी है और ये भी बॉम्बे से आए हैं। तीसरे केस के थे। और जो पांचवा केस है, ये जो चौथा केस है लेडी, इनकी सिस्टर के लड़के हैं। इनके साथ 20 ईयर 20 ईयर्स एज है। जो चौथा और जो छोटा केस है जो लेडी है, इसमें ये अपने पति के इनके हस्बैंड भी बॉम्बे में टैक्सी चलाते हैं। तो ये लोग भी इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन है। जो 50 ईयर्स ओल्ड लेडी है, ये जो सुल्तानी में जो वो ये जो 3 ईयर्स ओल्ड उनका निकट रिश्तेदार हैं। सारे जो रेडो प्रदर्शन है वहाँ स्कूल में इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन। इनको जो डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर है दुर्गा में, वहाँ भेज रहे हैं। और एक केस को हम लोग उनकी हिस्ट्री देख रहे हैं कि कुछ इश्यू तो नहीं है उनकी हेल्थ को लेकर। उस हिसाब से हम डिसीजन लेके सेकेंडरी आइसोलेशन सेंटर भोटा भेजना है। दैट मेडिकल टीम इज डिसाइडिंग। तो हम कोशिश कर रहे हैं और ये सारे ही बॉम्बे रिटर्न केस हैं और इसमें सिर्फ चौथे और पांचवे केस साथ है। अदरवाइज पहला इंडिपेंडेंटली आया है, दूसरे इंडिपेंडेंटली आए हैं, डिफरेंट डेट्स पर आए हैं, तीसरा वाला भी इंडिपेंडेंटली आया है। और कल भी हमारे पास 167 लोग बॉम्बे जो ट्रेन आई है महाराष्ट्र से, उनको भी हमने डिफरेंट प्लेसेज पे जो बस वाई 8 बसेज जाती हैं उनको हमने इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन किए हैं। आज भी हमारे पास 53 लोगों की है पुणे से ट्रेन, उसको भी हम इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन कर रहे हैं। एक ट्रेन हमारी पठानकोट से आ रही है, वहाँ से उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन कर रहे हैं। और 250 200 300 के बीच का फिगर डेली हमारे पास बाई रोड से आने का रहता है। तो इस तरीके से मेरी सभी से अपील है कि जो बाहर से आए हमारे पास रेड जोन से चैलेंज हैं। कई लोगों ने 14 डेज भी पूरे किए हैं और हम ग्रुप सैंपलिंग में उनके सैंपल लेने की कोशिश
कर रहे हैं कि मैं सभी को हम कोशिश करें पहले ग्रुप ट्रेनिंग कर रहा, और जो रिसेंट में पिछले एक हफ्ते 10 दिन से आ रहे हैं उनका तो 100% सैंपल ले रहे हैं जो इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन में है, और जो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में भी जो भी हम लोग रख रहे हैं तो उनके 5 से 7 दिन सैंपल ले रहे हैं, तो क्या नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो हफ्ते उनको होम क्वारंटाइन के लिए प्रिलिमिनरी के लिए भेजा जा सके।